दोस्तों, पूरे मानव समाज के लिए प्यार एक सर्वोत्तम सौगात है। प्रेम आकृति का वह अनमोल उपहार है जो मानव जाति के अस्तित्व हेतु अति आवश्यक है। यदि मनुष्य के हृदय से प्रेम समाप्त हो जाए तो मानव जाति के विनाश को शायद कोई नहीं रोक सके। प्रेम वह मधुर एहसास है जो जीवन में मिठास घोल देता है। कटुता दूर करने व वात्सल्य तथा भाईचारे के संचार में प्रेम की महती भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मगर अफसोस, आज प्रेम का वह सारस्वत रूप नहीं रहा है। प्रेम की नैसर्गिक अनुभूति आज आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खो गई है। वर्तमान में प्यार जैसे शब्द से सभी परिचित होंगे, मगर सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है यह बहुत कम लोग जानते होंगे। वर्तमान समय में बॉलीवुड फिल्मों के प्रभाव के चलते नायक नायिका के क्षणिक प्यार को ही लोग प्रेम समझ बैठते हैं, और वैसा ही प्रदर्शन युवा पीढ़ी अपने आम जीवन में करने लगती है। वह क्षणिक आकर्षक व उसकी आड़ में भावनाओं के शोषण को ही प्यार मानकर स्वयं तो घुमराह हो ही रहे हैं, साथ में प्यार को भी बदनाम कर रहे हैं। यही सवाल है कि आखिर सच्चा प्रेम क्या है। तो दोस्तों, इसके जवाब में हजारों तर्क दिए जा सकते हैं जो सभी अपनी जगह सही होंगे, मगर यदि इन तर्कों का सार निकाला जाए तो वह प्रेम यानी संपूर्ण समर्पण भाव को ही प्रेम कहा जाता है। दुनिया में सभी लोगों के लिए प्यार का मतलब अलग अलग होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन प्यार का असल मतलब क्या होता है यह जानना हम सबको ज़रूरी है। प्यार किसी की दौलत से या किसी खूबसूरती से नहीं होता, प्यार एक दूसरे की अच्छाई से होता है, उसकी अच्छाई से होता है। कभी किसी इंसान के सूरत पर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद यह सूरत किसी काम की नहीं होती है। प्यार किसी के सीरत से करना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी ही प्यार की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद जानने के बाद आपको भी प्यार की ताकत और हिम्मत का अंदाज़ा हो जाएगा, और इस पाक रिश्ते पर यकीन भी हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी ज़रूर है मगर यकीन मानिए, यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर के एक अमीर ज़ादे से, जिसे एक किसान की बेटी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। इस अमीर ज़ादे का नाम शिवम है। जब इसने उस लड़की का पता लगाना शुरू किया, तब पता चला कि यह एक गरीब किसान की बेटी है। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और साथ ही समझदार भी। शिवम ने जब इसे पहली बार लड़की को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसने उसे प्रपोज़ किया, लेकिन लड़की ने इसे साफ इनकार कर दिया। लेकिन शिवम भी दिल के हाथों मजबूर था। वो कहना कही गई है ना कि प्यार में इतनी जल्दी नहीं हारते, इतने में वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह दूसरे ही दिन उस लड़की के परिवार के घर पहुंच गया उस लड़की का हाथ मांगने। जैसे तैसे लड़की शादी के लिए राजी हो गई, दोनों की शादी करवा दी गई। दोनों लोग खुशी से जीवन गुजारने लगे। कुछ समय बाद लड़की की खूबसूरती कम होती चली जा रही थी और वो बीमार होने लगी थी। अपने चेहरे की झुर्रियाँ देख लड़की तनाव में आ गई थी। अब उसका पति उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसका पति उसकी खूबसूरती देखकर ही उसके पास आया था। लड़की अपने चेहरे के तनाव में थी कि तभी उसके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके पति की आंखें चली गईं। पति की ऐसी हालत देख पत्नी उसकी देखभाल में लग गई, साथ ही पत्नी की चिंता भी खत्म हो गई कि उसका पति उसे अब देख ही नहीं पाएगा, कि अब वो खूबसूरत नहीं रही है। लेकिन पत्नी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे एक दिन दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अपनी पत्नी की मौत के बाद पति अकेला हो गया और उसने भी शहर छोड़ने का फैसला लिया। जब शहर छोड़कर जा ही रहा था, तभी गांव वालों ने उसे रोकने के लिए कहा कि माफ़ कीजिएगा, घर वालों ने उसे रोकने के लिए कहा कि तुम बिना आंखों के कैसे रह पाओगे। तब लड़के ने कहा कि मैंने बस इतने सालों से नाटक कर रहा था कि ताकि मेरी पत्नी खुश रहे, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। यह सब कहकर वह वहाँ से चला गया। आज के दौर में प्यार करने वाला बेहद मुश्किल से मिलता है। शिवम नाम के इस लड़के ने अपनी पत्नी के लिए वाकई एक मिसाइल कायम की है। दोस्तों, उस लड़के ने फिर उसके बाद दोबारा कभी शादी नहीं की और वह आजीवन कुंवारा ही रहा। तो दोस्तों, प्यार की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।